हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फेरी टेल्स में। जापान समृद्ध और शक्तिशाली देश है जो तकनीक के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे है। वहाँ के लोग पौराणिक गाथा और भूत प्रेत की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हम भी इन सब चीज़ों को सुनने के बाद इसे झूठ या मन गढ़त कह देते हैं। हम सब इन सब बातों को नकार देते हैं और इन सब बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, ये बात है जापान की, जहाँ 1970 में एक महिला का कहर पूरी तरह फैला हुआ था। कुछ लोग उसे असली की महिला मानते हैं और कुछ लोग उसे एक आत्मा मानते हैं। लेकिन वह महिला ऐसा क्यों करती थी जिससे जापान में उसका खौफ था? उस महिला का नाम था कुशिसाके ओना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कुशिसाके ओना की पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। जापान में इस बात का खौफ था कि यहाँ अचानक लोगों की मृत्यु हो रही थी। जो भी लोग मरते थे उनके मुंह पे लंबा सा कटा हुआ निशान हुआ करता था। लेकिन यह निशान आता कैसे था और लोग मरते कैसे थे? उस समय जापान के निवासियों का मानना था कि यह काम कुशिसाके ओना द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों, धीरे धीरे इसी कारण से लोगों के मन में कुशिसाके ओना का डर बसने लगा। कहा जाता है कि कुशिसाके ओना लोगों के पास जाती और उनसे सवाल करती। उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ होता था। उस मास्क से उसका मुंह और नाक ढका हुआ होता था, बस उसकी दोनों आंखें दिखती थी। वह लोगों के पास जाती और उनसे पूछती, मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं? लेकिन उसके ज़्यादातर शिकार बच्चे हुआ करते थे। जब वह बच्चों से यह सवाल पूछती तो कई बच्चे उसे कहते, हाँ तुम अच्छी दिख रही हो। जब कोई उसे यह जवाब देता तो वह अपने चेहरे का मास्क हटा देती। बच्चे उसका चेहरा देखकर डर जाते और चिल्लाने लगते। तभी वह एक धारदार कैंची निकालती और उनके मुंह को काट देती। मुंह के कट जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खून निकलता, जिससे उन लोगों की मौत हो जाती। लेकिन कई लोग उसे यह भी कहते, नहीं तुम सुंदर नहीं दिख रही हो। यह सुनकर कुशिसाके ओना उन लोगों के साथ क्या करती? ऐसे में वह अपने चेहरे का मास्क तुरंत हटा देती और सीधा सामने वाले पर हमला कर देती और उनके चेहरे को काट देती। इसके बाद उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ऐसे करते करते कुशिसाके ओना का कहर जापान में पूरी तरह फैल गया था। अब सवाल ये उठता है कि कुशिसाके ओना के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह ऐसा किया करती थी? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं कि कुशिसाके ओना एक समुराई की पत्नी थी। वह समुराई बहुत ही बेहतरीन था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह समुराई ज़्यादातर जंग के लिए कई दिनों तक बाहर जाया करता था। कभी कभी उसे घर लौटने में महीनों लग जाते थे। एक दिन वह समुराई कई दिनों के बाद जंग से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और मर्द के साथ चल रहा था। यह देखकर वह समुराई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने तुरंत अपनी धारदार तलवार निकालकर कुशिसाके ओना के मुंह पर लंबा सा कट लगा दिया। कट लगाने के बाद उसका चेहरा कुछ इस तरह दिख रहा था। यह हो जाने के बाद कुशिसाके ओना जमीन पर गिर गई। वह समुराई अपने घुटनों पर आया और उससे पूछा, क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती पर घमंड है? अब तुम जाकर लोगों से पूछो कि तुम सुंदर लग रही हो या नहीं। तब से कुशिसाके ओना की कहानी लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। कुशिसाके ओना का कहर जापान में कुछ महीनों तक चला, फिर एक दिन अचानक वह गायब हो गई। लोगों की मृत्यु और उसके कहर की खबर आनी भी बंद हो गई। तो दोस्तों, ये थी जापान की कुशिसाके ओना की मशहूर भूतिया घटना। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।